महिला थी उसी हमको उठवाई थी, उसका नाम है रीता। वही सात लड़का बुला कर हमको उठवा कर अपना घर में ले गई और रेप करवाई, मेरे गाल कटवाई, मेरे छाती कटवाई, सब करवाई वही खड़ा कर। और उसका एक लड़की है संजिला नाम को, उसके घर पर गुंडे सब आते हैं, गुंडे और सात लड़के थे, गुंडे भी आते हैं और हम उनको बंदूक भी दिखाई थी मारने के लिए। हमारे घर से ही उठा ले हैं सात लोग मिल के, अपने घर वो बुला खींच ले गई, केवाड़ी बंद कर लिए जी सर जी, वो सब कुछ करी, कार हुआ है मुँह में सब है, सब बखोरा हुआ है, सब है नोचा चोचा है, सब गाल काटा हुआ है, छाती सीना सब है। कितने लोगों के द्वारा? सात लोग हैं। क्या नाम है? वीर चंदन, गौतम, वीरू, जयवीर, डीएम, अशोक, जयवीर, नीतीश। ये बगरा देवर का माजरा है और ये जब सूचना मुझे मिली तो मैंने इंस्पेक्टर को खबर किया और इंस्पेक्टर जो है मौके पर जा करके जो है मामले को देखा और उस समय जो है डायल 100 की भी गाड़ी गई थी और उसमें जो है 6 लोग आरोपित हैं, उनको जो है गिरफ्तार किया गया है और जो वादी की तरफ से जो तहरीर मिला हुआ है उस पर जो है मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। ये SC ST का मुकदमा है और लड़की का तत्काल जो है डॉक्टरी परीक्षण कराया गया है। उस लड़की के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी हुई है। उस लड़की के साथ जितने भी दोषी हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कल मैं सुबह उस लड़की की तरफ से तहरीर दिवाया लड़की को ले जा करके थाने पर और यशो साहब ने कहा कि ठीक है मैं तुरंत अभी भेज रहा हूँ। तो पुलिस रात में गई है और 4 मुलजिम को पकड़ करके ले करके आई है और अब आगे देखिए विधायक जी से भी बात की है, SP साहब से, और उनके कथनानुसार उनके कहने पे मुकदमा लिखा गया और पुलिस कार्रवाई कर रही है। के मुताबिक जो है धारा 147, 323, 504, 506, 452 और 354 ख और लैंगिक अपराधों के बालकों के उसमें जो है 7 और 8 है और फिर जो है अनुसूचित जाति और जनजाति निसंसता निवारण अधिनियम के तहत 31(1)(X) और 31(10) और 31(ख) के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।